हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आज आपको वेलकम करता हूं टेक्नो न्यूज़ के 11वें एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और एंड पे आपके लिए बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ है, तो उसे भी देख लीजिएगा। तो अपनी न्यूज़ का स्टार्ट हम करते हैं। दोस्तों आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो न्यूज़ है, मतलब अब जो आने वाली न्यूज़ है वो इंस्टाग्राम के रिलेटेड ही है। और दोस्तों आपको पता होगा कि यार आपने रिसेंटली सुन लिया होगा कि IGTV नाम से एक एप्लीकेशन या एक फीचर लॉन्च हो चुका है इंस्टाग्राम पर। और दोस्तों एक बहुत करारा जवाब है यूट्यूब के लिए कि IGTV को ऐसे सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर दिया इंस्टाग्राम जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में। और इसके मुताबिक अगर आप यहाँ कर सकते हैं 1 घंटे से भी ज़्यादा की 1 घंटे तक की वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उस पर एड्स लगेंगे और आप सर्न कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी बात यह है कि एक न्यू सॉफ्टवेयर है, एक न्यू पॉलिसी, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड पॉलिसी नहीं है यूट्यूब की तरह। आप इसमें जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। और वैसे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है Mohsin007 के नेम से आप उसे। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है Xiaomi के Redmi 6 Pro के लीक्स के बारे में। दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन लीक्स हो चुकी हैं जिसके मुताबिक इस फोन के अंदर होगी 9:9 की एक्सपेक्ट रेशियो। उसके साथ इस फोन के अंदर होगा स्नैपड्रैगन 625। काफ़ी वियर्ड सी बात है कि नोट 5 प्रो में यहाँ पर आपको 636 मिलता है और यहाँ पर 625। उसके बाद 584 इंच की डिस्प्ले होगा, वो भी होगा 1080p फुल HD होगा और जिसके अंदर आपको लंबी सी इन्फिनिटी डिस्प्ले मिल जाएगा। साथ एक ऊपर एक छोटी सी नोच होगी। अब बैक कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है डुअल कैमरा का सेटअप, 432 और 464GB वाला यहाँ पर आपको वेरिएंट मिलेंगे और MIUI 9 और MIUI 10 भी मिलेगा। डुअल कैमरा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 12+5 MP और फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा शायद 5 MP का। और बैटरी यहाँ पर आपको अच्छी मिलने वाली है 4000 mAh की। दोस्तों की स्पेसिफिकेशन काफ़ी वियर्ड है लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फोन के अंदर डुअल कैमरा और बाकी फीचर्स तो हैं लेकिन यहाँ पर आपको प्रोसेसर की कमी मिल रही है और कैमरे फ्रंट की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल से पसंद नहीं आएगा। और इसकी लीक इतनी थी, इसकी प्राइस हो सकती है $200 और पाकिस्तान में इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 20-22 हज़ार के दरमियान होगी। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि सैमसंग गैलेक्सी S10 के ऊपर है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 सैमसंग का आने वाला न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू फोन है जिसके ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलना है, फुल इन्फिनिटी डिस्प्ले स्क्रीन मिलनी है। एक अच्छा फ़ोन बनने वाला था, फ्लैगशिप शायद इस साल या अगले साल तक, लेकिन इस फोन में आपको एक चीज़ मिसिंग मिलेगी जो कि होगा इनका बहुत अच्छा फीचर जिसे कहते हैं आइरिस स्कैनर, जो कि रात के वक्त शायद ही काम करता है। आइरिस स्कैनर से आपको कुछ स्कैन करने के बाद आपके तमाम फ़ोन के लॉक अनलॉक हो जाता था, जो लॉक लगा था वो अनलॉक हो जाता था। और ये बहुत अच्छा फीचर था जो कि S8 और S9 में था और Note 8 में भी था। और अब देखते हैं कि अब इनके नेक्स्ट कौन सा सिक्योरिटी होगा, क्या ये फेस अनलॉक या फिर इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले लेकर आएंगे कि नहीं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये इंटरेस्टिंग होने की वजह ये है कि पाकिस्तान में Nokia 7 Plus के यूज़र के लिए खुशखबरी है कि Android P की बेटा अपडेट स्टार्ट हो चुकी है जो पाकिस्तान में इजीली आपको मिल जाएंगी। और क्योंकि ये पाकिस्तान में इतना सस्ता फ़ोन है तो ये मेरा फेवरेट है और मैं इसे ज़रूर बाय करूँगा अगर मैं इसे अफोर्ड कर सका। 35,000 पाकिस्तान में है जो काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि इंडिया में इसकी प्राइस पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट किया जाए 45,000 बनती है, मतलब 10,000 कम रेंज में पाकिस्तान में मिल रहा है, तो एक अच्छा फ़ोन हुआ। और साथ इस फ़ोन के अंदर अपडेट्स इसलिए इजीली आ रही हैं और जल्दी आ रही हैं क्योंकि ये Android 1 प्रोजेक्ट है जो कि गूगल का इसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर होता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि OnePlus 6 के रिलेटेड है। इंडिया वालों के लिए बुरी खबर यह है कि OnePlus 6 काफ़ी देर से अपनी न्यू अपडेट के बाद, जो इनके ऑक्सीजन OS की 5.1.8 की अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन इशूज में आ रहे हैं, बहुत जल्दी इसकी बैटरी ड्रेन हो रही है। और यही इशूज़ के OnePlus 3 और OnePlus 3T में भी आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में OnePlus 3 और 3T ईजिली मिल रहे हैं यूज़ में, मैंने भी देखे थे मिल रहे थे, अब इन सब फोन में बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा है जो कि एक बहुत बुरी बात है। और इसीलिए OnePlus कह रहा है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, नेक्स्ट अपडेट में इसकी तमाम मसलों को हल कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन OS इनका अपना एक OS है जो कि बहुत ऑप्टिमाइज होता है। दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि दराज की तरफ से। दोस्तों दराज में हो चुकी है मोबाइल की सबसे बड़ी सेल जो कि होगी 3 जुलाई तक 70% ऑफ तमाम मोबाइलों पर होगा। और इस सेल के मुताबिक अब आप दराज में फाइव बाय कर सकते हैं ओनर के, एप्पल के, OnePlus के, सैमसंग के, तमाम ब्रांड्स को यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं बाय। और दराज में ये 3 तारीख तक, ये मतलब 3 जुलाई तक ये सेल चलेगी, हमारे पास एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता है, तो आप जाकर दराज से शॉपिंग कर लें मोबाइल के बारे में। तो हमारे जो लास्ट में था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि है मार्वल्स फैन के लिए। दोस्तों मार्वल की न्यू मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग का सीक्वल यहाँ पर आने वाला है और उसका टाइटल टॉम हॉलैंड ने यहाँ पर रिवील कर दिया। टॉम हॉलैंड इस फिल्म में पिछले साल आने वाले स्पाइडरमैन होमकमिंग के मेरे ख्याल से हीरो थे, लीडिंग हीरो थे और मैं भी मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इसके बारे में टॉम हॉलैंड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो में स्क्रिप्ट के बारे में बताते हुए देखा बताया, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में।
I wanted to apologize because there's no real revelations coming out this weekend about Spider-Man 2. I don't know much about it. I'm a little confused because I died, so I don't really know how it all comes into play. But I do know is I got the new script. I'm super excited to read it, and it's going to be great. So yeah, Spider-Man 2, let's do this. इसकी न्यूज़ के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी टेक्नो न्यूज़ अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी और मुझे कुछ न्यू वीडियो का सजेशन कर सकते हैं टॉपिक के बारे में। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, गुड बाय।